अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पहले लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर इसको लेकर बयान दिया और उसके बाद राज्यसभा में भी लगातार सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से विपक्ष को इस पूरी घटना पर बेनकाब कर दिया। आज तक ये पता नहीं चला कि जिस आंदोलन के चलते ऐसे हालात हुए उसमें कौन सा लफ्ज कौन सा हर्फ था जो किसी की नागरिकता लेने वाला था। इस बात की वेदना है, विस्मय इस बात का है कि ये दंगे भारत की बड़े विचित्र प्रकार के दंगे हुए। सामान्यतः दंगे इस प्रकार से होते हैं, कोई घटना हो जाती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, परंतु ये दंगे ऐसे हुए जहां पे कोई एब्रप्ट रिएक्शन नहीं हुआ, तात्कालिक भीषण प्रतिक्रिया नहीं, धीमी धीमी आंच पर 2.25 महीने से उसे उबाला जा रहा था, जैसे तंदूर की आंच को बढ़ाया जाता है कि हीट को उस एक्सटेंड तक ले जाया जाए। ये एकमात्र ऐसे दंगे हुए जहां अधिकांश विपक्षी दलों की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कभी किसी के द्वारा शांति संयम की अपील नहीं आई। बयान और सोशल मीडिया पर रिएक्शन अक्सर उकसावे वाले आए, ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा, यह बात तो समझ से परे थी। खैर, किसी सांसद से मिले उसका डिनायल कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं था, परंतु सभापति महोदय मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं यह तस्वीर देखता हूं, लंदन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तस्वीर लगा के, आदरणीय सोनिया जी की तस्वीर लगा के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ऐसे लोग जिनके पदाधिकारियों के नाम उनकी वेबसाइट पर हैं, उनके बयान अवेलेबल हैं। अरे भाई, अपनी सरकार को सुनाने के लिए यहां बात कही जाती है, बाहर किसको सुनाने के लिए बात कही जाती है? विदेशी मीडिया में 4 बातें निकलती हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। विदेश का कोई संस्थान प्रश्न पूछ ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जी के दौरे के दौरान क्यों किया जा रहा था? ताकि विदेश में बात हो। अरे क्या आवश्यकता है आज विदेश को इतना सुनाने की? अब हम अलग लेवल पर आ गए हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लंदन में सुनाने की। रही होगी कभी उनकी हुकूमत, सभापति जी मैं कहना चाहता हूं अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगला प्रश्न ये किया जाता है कि जब ये हो रहा था तो गृहमंत्री जी कहां थे? कल गृहमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। आप ये समझिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हो, जिसका थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड में नंबर वन रहता है, और खासकर तब जब बगदादी और सुलेमानी की घटना के बाद हो, तो थ्रेट परसेप्शन कितना हाई होगा, भारत की सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस को कितने प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस के बीच में गृह मंत्रालय को काम करना पड़ रहा होगा, समस्त संभावनाओं को देखकर काम करना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए जो आप बात कहते हैं कि कोई घटना किस लिए हो रही है, 24 फरवरी 25 फरवरी 26 फरवरी 27 फरवरी गृह मंत्री जी ने क्या किया, यह रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। 24 फरवरी को, जी बिल्कुल बता रहा हूं, 24 फरवरी को शाम को 7 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईबी के निदेशक के साथ बैठक हो रही थी, दिल्ली अपर आयुक्त के साथ बैठक हो रही थी, रात को 1 बजे तक इस विषय के ऊपर सजगता के साथ नजर रखने के लिए बैठक चल रही थी। 25 फरवरी को दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से होती है। दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ आते, इनके नाम पिछले सदन में भी बताए गए, वो सारे लोगों के साथ बैठ के बैठक होती है। अब जरा ये देखिए, इस प्रकार की घटनाक्रम बड़ा विचित्र संयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के साथ तिथि नहीं, वार नहीं, घटी और पल का भी मिलान हो रहा है। मानो पंचांग के पूर्व निर्धारित राहु काल के समान पहले से तय था कि अब शुरू होगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह संदेह और गहरा होता है, यह संदेह और गहरा होता है कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा था। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ 2.25 महीनों से हो रहा था उसके लिए
72 दिन तक जो आग सुलगाई गई, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में उसको बुझाने में सफलता पाई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, अभी कपिल सिब्बल जी ने भी कहा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, शायद भारत ही नहीं एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। इसके बावजूद आपने कभी देखा कि पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस भाग रही है? पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, पुलिस के एक डीसीपी का हेलमेट टूट गया। हेलमेट नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं टूटता है जब तक बहुत हैवी रॉड के साथ बार बार ना आघात किया जाए। फ्री कश्मीर, उसका मतलब कुछ और था। आसाम को परमानेंट काटना, उसका मतलब कुछ और था। हिंदुओं से आजादी, मतलब कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन ये तक कह देते हैं कि न संसद पे भरोसा न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा। नौजवानों बाहर आओ, सड़क पे निर्णय होगा। ऐसे कहने वाले लोग हर्ष का मंजर नहीं तबाही का मंजर लाते हैं, यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह जो कुछ हुआ, कहां से शुरू हुआ, जो कहा गया उसे सुना ना माना जाए, जो नहीं कहा गया उसे सुना मान लिया जाए, जो सीए में नहीं लिखा उसे पढ़ा मान लिया जाए, और आपकी कमेटियों ने जो लिखा था उसे ना माना जाए। विचित्र तर्क है। अब इसका आगाज कहां से होता है? अमानत में खयानत के साथ। एक अमानती का खयानती बयान, और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब जो शुरू में ही 15 तारीख को ही इन तमाम चीजों में मुलव्विस पाए गए थे, और ये कोई नए नहीं है प्रवृत्ति, समझिए मान्यवर, ये वही है कि जब दिल्ली में औरंगजेब के रोड पर नाम बदला गया था तो आके धरना दिए थे कि कलाम साहब पे नहीं औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। ये वही है। महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था, और उस समय कुछ लोग सड़कों पे निकल आए थे, घर से बाहर सड़कों पे आ गए थे और आगजनी करने लगे थे, तो उन्होंने सारा आंदोलन रोक दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। और उन्होंने कहा था कि मैं, यद्यपि उनका कोई व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने कहा था मैं नेता के नाते इसका व्यक्तिगत अपने ऊपर दायित्व लेता हूं, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया का कोई स्थान नहीं हो सकता, स्वराज्य में सबसे पहले स्वानुशासन हो सकता है। और इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय, आप सबको शायद ध्यान हो, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारा आंदोलन विफल हो गया पर हमारी विफलता हमारे नेता की विराटता और महानता की तुलना में बहुत छोटी है। आज 100 साल के बाद सड़क पे आओ और आर पार की लड़ाई करो, वही पार्टी है, वही पार्टी है, वही लोग हैं। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज भी वही परिवार के अध्यक्ष हैं। गांधी वो महात्मा गांधी थे, ये आज के गांधी हैं, और आके कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई की बात करो। सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कहां से कहां पहुंच गए? नहीं बैठिए आप, अरे साहब आप बताइए ना, आर पार की बात किसने की थी सड़क पे आके? आर पार की बात 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के लिए हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतनी विराट पार्टी, इतना विराट नेता, इतना वरिष्ठ व्यक्ति, और इसके बावजूद ये ये आपके लिए विचार करने का विषय है। हम अपने समय के अंदर ही रहेंगे। समय की नहीं कह रहा हूं मैं समाप्त कर रहा हूं। चेयर को एड्रेस करिए, इधर उधर मत देखिए, आप बोलते जाइए। मैं सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गांधी, महात्मा गांधी से आज के गांधी तक आते आते ये कहां से कहां तक पहुंच गए? हाँ ये बताइए, आर पार की लड़ाई की बात करना गांधीवाद है, गोडसेवाद है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिए। सुधांशु जी, आप सीधा सभापति महोदय, यदि ये इस विषय पे कहना चाहते हैं तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, वो राष्ट्रपिता थे। मगर महात्मा गांधी का, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको सभापति जी, महात्मा गांधी का, अरे कोई केवल सुधांशु जी का रिकॉर्ड में जाने वाला है,
सभापति कोई बोले तो जाएगा नहीं। सारा देश जानता है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक समाधि पे लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, गांधी के व्यक्तित्व और आत्मा की हत्या उस दिन हुई। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले।